पीसीओडी जड़ से ख़त्म करें, पार्ट वन और पार्ट टू आप पहले ही मेरे यूट्यूब चैनल पर देख चुके हैं और आप सबकी डिमांड के बाद ये वीडियो मैंने बनाई है पार्ट थ्री, जिसमें मैं शेयर करने वाली हूँ पीसीओडी डाइट चार्ट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। आयुर्वेदा इसलिए दोस्तों क्योंकि आयुर्वेदा न्यूट्रिशन पर काम करती हूँ इतने सालों से और जो इसके रिजल्ट्स आते हैं वो अमेजिंग, तो खैर छोटा वर्ड है, उससे भी कई ज़्यादा आते हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपको इस तरह की कोई समस्या आ रही है तो आप इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर सकें और अच्छे रिजल्ट दे सकें। तो चलते हैं, आज हम लोग बात करेंगे पीसीओडी डाइट के बारे में कि क्या क्या सावधानियाँ आपको बरतनी है और क्या चेंजेस करके अपनी डाइट के अंदर आप पीसीओडी को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो चलते हैं डाइट चार्ट की तरफ। दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार जब हम लोग दिन की शुरुआत करते हैं तो एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट बताया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं उषापान, यानी कि सुबह बासी मुंह पानी ज़रूर पीना चाहिए जिससे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम तो अच्छा होता है, ये साथ ही साथ अगर बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स जमा हो रहे हैं तो वो बाहर निकल जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों को बड़ा ख़राब लगता है कि अरे सुबह ही सुबह कैसे पानी पी सकते हैं, बट बिलीव मी गाइज, अगर आप ये पानी उषापान का जो ये नियम है अगर आप इसे प्रॉपर वे में फॉलो करना शुरू कर देंगे तो आप यकीन नहीं कर सकते कितनी बीमारियां तो आप वैसे ही ठीक कर लेंगे। बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि उठते ही या तो उन्हें चाय चाहिए या बेड टी चाहिए, कॉफ़ी चाहिए, या कुछ लोगों से मैंने सुना है कि सिगरेट या बीड़ी पिए बिना उनका पेट साफ़ नहीं होता। तो ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं आपके डाइजेस्टिव ट्रैक को नुकसान देती हैं। तो कोशिश कीजिए कि सुबह उठते ही सबसे पहले आप बासी मुंह में पानी ज़रूर पिए, 2 या 3 ग्लास बड़े अच्छे से आपको पीने हैं। पानी ठंडा नहीं होना चाहिए, पानी बहुत उबला हुआ भी नहीं होना चाहिए, अगर रूम टेम्परेचर का पानी पी लेंगे तो भी चल जाएगा। तो ये आपको करना होता है। तो पीसीओडी में आपको क्या करना है वो मैं आपको बता दूं। पीसीओडी में आपको सिर्फ पानी का सेवन नहीं करना है, जो महिलाएं पीसीओडी से ग्रस्त हैं उन्हें कोशिश करनी है सुबह ही सुबह एक टर्मरिक टी ज़रूर पिए। टर्मरिक टी में कोई आपको रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, छोटी सी अगर कच्ची हल्दी आपको मिल जाए तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, अगर कच्ची हल्दी नहीं अवेलेबल है तो आप टर्मरिक पाउडर ले सकते हैं, 1/4 चम्मच 1 कप पानी में उबालना है, उसे बॉयल करके जैसे चाय बॉयल करते हैं और फिर उसको आप छान लेंगे, सीव कर लेंगे और उसको सिप सिप करके पीना है आपको, ठीक है, मतलब जैसे चाय की चुस्की लेके पीते हैं ठीक उसी तरीके से। अगर आपको लगता है कि सिर्फ हल्दी की चाय पीना पॉसिबल नहीं है तो उसमें थोड़ी सी अदरक भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं तो उससे डबल इम्पैक्ट आता है। आप सोचेंगे कि हल्दी की चाय है क्यों, दोस्तों मैंने पहले भी बताया था आपको कि हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को डिटॉक्सिफाई करती है हल्दी। तो अगर आप सुबह ही सुबह हल्दी वाली चाय पीते हैं, एक नॉर्मल चाय को स्किप करके, तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी पीसीओडी की समस्या कितनी जल्दी रिमूव हो सकती है। तो इस चीज़ का आपको विशेष करके ख्याल रखना है कि सुबह उठ के आपको हल्दी या जिंजर वाली मिलाकर ही चाय पीनी है ताकि जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में टॉक्सिन्स जमा हो रहे हैं वो रिमूव हो सकें, फ्लश आउट हो सकें, तभी आपका कोई भी इलाज आप पर वर्क कर पाएगा। इस चीज़ का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। तो ये चीज़ सुबह उठते ही आपको करनी है। उसके बाद 40 मिनट बाद या 1 घंटे बाद आप अपना ब्रेकफास्ट कीजिए। ब्रेकफास्ट आपका हेल्दी होना चाहिए, कोशिश कीजिए कि भारी भरकम ना करें ज़्यादा। अगर कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग फ्रूट्स नहीं खाते तो मेरा पहला ऑप्शन तो देखिए यही है कि आप कोई भी सीजनल फ्रूट लें, कोशिश कीजिए एक समय पर एक ही फ्रूट लें, 4-5 फ्रूट्स को मिक्सअप ना करें, क्योंकि आप खट्टे मीठे सारे फल मिला के खाने लग जाते हैं वो आपको फ़ायदा नहीं देंगे। तो कोशिश कीजिए एक समय पे एक ही फल लें और कम से कम भी आधा किलो फल आपको खाना ही खाना है। ऐसा नहीं कि मैंने एक फल बोल दिया तो आपने एक सेब खा के तसल्ली कर ली, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप अपने ब्रेकफास्ट में खा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आधा किलो तो वो फल होना ही होना चाहिए, क्योंकि आप कुछ और नहीं खा रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिए। कुछ लोगों को स्मूदीज़ या मिल्क शेक वगैरह पीने की आदत होती है, लाइक बनाना शेक या और ये सारी चीज़ें, तो पीसीओडी में मैं आपसे निवेदन करूँगी जितनी मेरी बहनें हैं कि आपको जो ये सिंपल कार्ब्स होते हैं, क्योंकि जो मिल्क में
वो आपको सूट नहीं करेंगे कहीं भी और पचाने में भी दिक्कत आएगी। सो इंस्टेड ऑफ दैट, अगर आप फल के साथ थोड़ा बहुत आपको क्रेविंग्स है कि भाई मिल्क होना चाहिए, देन आई वुड प्रिफर कि आप कोकोनट मिल्क ले लें। ठीक है, घर पे ही बना सकते हैं आप कोकोनट मिल्क, बहुत सिंपल होता है। और या फिर आप आमंड मिल्क ले सकते हैं, बादाम का दूध आप बना सकते हैं घर पे और वो पी सकते हैं। कोशिश कीजिए बाहर का पैकिंग वाला दूध ना लेके आएँ, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। घर पे बनाएं, ताज़ा बनाएं और उसका सेवन करें। ये चीज़ आप करेंगे तो अमेजिंग रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। अब कुछ मैंने महिलाओं को सुना है, वो लोग कहती हैं कि मैम फ्रूट से हमारा कुछ नहीं होता, हमारा पेट नहीं भरता और मतलब कोकोनट मिल्क भी एक कप पीने से कुछ मतलब भारीपन नहीं आता है, बड़ी जल्दी भूख लगने लगती है। तो उनके लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आप मल्टीग्रेन पराठा बना सकते हैं। ठीक है, कोशिश कीजिए कि ग्रेन भी आप एक टाइम पर एक ही लें, उसमें बहुत ज़्यादा ग्रेन्स आप ऐड ना करें और उसमें सब्ज़ी वगैरह मिक्स करके अच्छा सा उसको डो बना के उसका पराठा बनाइए, वो अभी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। आप दही ले सकते हैं साथ में उसके, ठीक है, ताज़ी घर पे जमी हुई अगर दही है तो फिर तो कोई उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये चीज़ आप कर सकती हैं अपने ब्रेकफास्ट में। अगर ये चीज़ आप कर लेती हैं तो आप यकीन मानिए कि आपने अपनी अच्छी हेल्थ की तरफ एक पहला स्टेप उठाया है। ये अगर आप चीज़ें फॉलो कर लेती हैं तो ये आपको सिर्फ PCOD में ही नहीं लाइफ लॉन्ग बेनिफिट देने वाली हैं, इस चीज़ का ख्याल रखेगा। तो ये चीज़ आप कर सकती हैं। ये था हमारा ब्रेकफास्ट। अगर ब्रेकफास्ट और लंच के दौरान आपको छोटी वाली भूख लगती है तो फिर आप एक कोई भी सीजनल फ्रूट ले सकती हैं। ठीक है, एक ले सकती हैं, इसमें आपको आधा किलो नहीं लेना है। कोई भी एक फ्रूट आपको लगता है कि जैसे एप्पल है या मैंगोज हैं, जो भी आपको पसंद हो अकॉर्डिंग टू योर नेचर एंड योर चॉइस, आप उसका सेवन कर सकती हैं। अगर आप डायबिटिक हैं तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा, फल जो है वो उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, इस चीज़ का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। तो दोस्तों लंच की तरफ चलते हैं, और लंच में मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, और मैं क्या बोलती हूँ, आयुर्वेद ये बात कहता है कि जब भी आप लंच करने बैठ रहे हैं या जब भी आप भोजन का सेवन कर रहे हैं तो आपकी थाली में 6 रस अवश्य होने चाहिए। 6 रस कौन कौन से? मीठा, तीखा, नमकीन, कड़वा, कसेला और खट्टा। ये 6 रस आपकी थाली में होने ही होने चाहिए। इनको बैलेंस करके अगर आप खाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपकी कोई भी बीमारी आपको छू भी सकती है, क्योंकि ये आपके वात, पित्त और कफ तीनों को ही बैलेंस कर देते हैं। बहुत सारे लोग एक टाइम पे ये 6 रस नहीं ले पाते, कोई बात नहीं, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे कि अगर आपने लंच में लिया है तो डिनर में आप उसको पूर्ति कर लीजिए, आपने ब्रेकफास्ट में अगर उसकी पूर्ति नहीं की तो आप लंच में कर लीजिए। इस तरीके से आप मतलब एक दिन में वो 6 रस कंप्लीट कर लें अगर अपनी डाइट में, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। तो मैं जो PCOD के लिए आपको थाली बताने वाली हूँ, वो मैं मतलब ऐसी थाली है कि आपको बोरिंग भी नहीं लगेगी, आपको ये भी नहीं लगेगा कि अरे यार ये तो उबली हुई सब्जियाँ बता देती हैं खाने के लिए, ऐसा भी नहीं है। घर की सिंपल वाली थाली भी खा के आप PCOD ठीक कर सकते हैं, लेकिन एक रेशो याद रखिएगा क्या करना है आपको। आपको अपनी थाली को 3 भागों में डिवाइड करना है, ठीक है। एक भाग में तो होनी चाहिए आपकी सब्ज़ी और रोटी, इस चीज़ का ध्यान रखिए। रोटी आप ध्यान रखें कि अगर मल्टीग्रेन भी आप ऐड करते हैं, लाइक बाजरे की रोटी भी अगर आप ऐड करती हैं तो बहुत अच्छा रहता है। मिलेट्स आप ऐड कर सकती हैं, और सब्ज़ी तो देखिए ऐड करनी ही करनी। कोशिश करें उस सब्ज़ी में थोड़ा देसी घी ऐड करें आप, ठीक है। तो उससे क्या होता है, थोड़ी ये जो डिटॉक्सिफिकेशन है वो जल्दी होती है बॉडी के अंदर। दूसरा जो आपका पार्ट है आपकी थाली का, एक पार्ट में तो आपने सब्ज़ी और रोटी कर ली, दूसरा जो पार्ट होता है उसमें होना चाहिए सैलेड। सैलेड में वो फ्रूट, वो मतलब वेजिटेबल्स या फ्रूट्स आप ऐड करें जो सीजनल हैं, जैसे कि गर्मियों में आपका खीरा है, ककड़ी है, ठीक है ना, कई बार थोड़ी बहुत कच्ची कैरी भी आप ऐड कर सकते हैं, उससे भी एक बड़ा टैंगी सा टेस्ट आता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा काट लीजिए, अगर आपको थ्रोट इन्फेक्शन की समस्या नहीं होती कच्ची कैरी से, वो आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से एक बड़ा अच्छा सा आपका एक थाली रेडी हो जाती है, बड़ी खूबसूरत सी। उसमें अगर सर्दियाँ हैं तो गाजर बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, मुझे बहुत पसंद है गाजर अपने सैलेड के अंदर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कर दें, अनियन ऐड कर सकते हैं आप, तो ये सब चीज़ें कीजिए। बट कोशिश कीजिए कि वो सैलेड सुबह काट के दोपहर में ना खाएं, वो सैलेड जो है वो आपको हाथ के हाथ काटना है, तभी आपको वो फ़ायदा देगा। मतलब 1 घंटे के भीतर भीतर आपको काट के खाना भी है उसको, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तीसरा जो भाग है आपकी थाली का, उसके अंदर आप कोई भी जैसे दही,
ठीक है, या फिर आप तकर आप ले सकते हैं, जैसे छाछ जिसको बोलते हैं, या रायता वगैरह आप ऐड कर सकती हैं, क्योंकि ये जो थाली होती है ये ऐसी संपूर्ण थाली है कि आपको नुकसान नहीं देगी। आप सोचेंगे कि मैम सब्ज़ी और रोटी आपने इतनी कम क्यों रखी है। दोस्तों सब्ज़ी और रोटी मैं हमेशा कहती हूँ कि पेट भर के यहाँ तक मत खाइए कभी भी, क्योंकि फिर वो आपको फ़ायदा नहीं देने वाली है, ठीक है, उससे कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि वो यहाँ तक भर के, आपको हलक तक भर के नहीं खाना है, आपको हल्की और हेल्दी डाइट लेनी है, ठीक है। और सैलेड जो है वो फुल ऑफ फाइबर्स है, वो आपके पेट को भरेगा, और अच्छी बात यह है कि आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बहुत जल्दी, मतलब उसको पचाने में बहुत आसानी रहेगी। जो लिक्विड या जो दही या छाछ या रायता आप ले रहे हैं वो भी जल्दी डाइजेस्ट होगा आपका, ठीक है, और आपको बड़ा फिलिंग सा रखेगा वो, मतलब भरा भरा रहेगा आपका पेट, आपको भूख नहीं लगेगी, झूठी वाली भूख जो होती है। और एक जो पार्ट है उसमें आपकी आ गई मतलब आपकी सब्ज़ी और रोटी आ गई, ठीक है ना, आप पराठा ऐड कर सकते हैं, या आप चाहें तो आप कोई स्मूदी बाउल बना सकते हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन अगर स्मूदी वगैरह खा रहे हैं तो फिर आपको दही वगैरह जो है वो स्किप करनी पड़ेगी, वो आपको मिसमैच नहीं करना चीज़ों का, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। क्योंकि आयुर्वेद में एक चैप्टर आता है विरुद्ध आहार, उसका बड़ा ख्याल रख के हमें खाना खाना होता है। तो ये था आपका लंच, इसको अच्छे से इंजॉय कीजिए, बढ़िया तरीके से खाइए, और एक एक निवाले को अच्छी तरह चबा कर खाना है, क्योंकि आयुर्वेद क्या कहता है, पानी को चबाना है और खाने को पीना है। तो खाने को इतना चबा लीजिए कि उस वो लिक्विड फॉर्म में हो जाए और आप उसे निगले नहीं, आप उसे पी जाएं, ठीक है, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। ओके, तो ये हुआ हमारा लंच, अब बढ़ते हैं डिनर की तरफ। दोस्तों डिनर से पहले, जैसे कि अगर आप 1 या 2 बजे अपना लंच कर लेते हैं और आपको डिनर करने की आदत 8, 9 या 10 बजे तक है, तो ऑफकोर्स इन बिटवीन बहुत लंबा गैप आ जाता है और आपको फिर भूख लगती है, आप फिर भागते हैं कोई अनहेल्दी स्नैकिंग की तरफ, लाइक आप समोसा कचौड़ी ये वो खाना पसंद करते हैं जो कहीं से भी आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो मैं आपको यही ऑप्शन दूंगी, थोड़ा सा हेल्दी स्नैकिंग रखिए। पहली जो सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं वो करते हैं सूरज डूबने के बाद अपना डिनर करते हैं। अगर आप सही मायनों में ठीक होना चाहती हैं, मतलब आपको चाहती हैं आपके PCOD बिल्कुल ठीक हो जाए, तो एक चीज़ तो अपनी दिनचर्या में आपको ऐड करनी ही पड़ेगी, वो है 7 या 6:30 बजे अपना डिनर कंप्लीट करना है आपको हर हाल में, इस चीज़ का ध्यान रखना है। 8 बजे भी नहीं खाना है, 9-10 तो बहुत दूर की बात है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप 6:30-7 बजे भी अगर अपना डिनर कर लेती हैं, या बहुत मजबूरी है तो 8 बजे लास्ट में, आपसे कह रही हूँ ये डिनर आपको करना ही करना है। अगर इन बिटवीन आपको भूख लगती है, लाइक आप ऑफिस में, जैसे कि मैं क्लिनिक पे होती हूँ, तो मैंने भी कुछ हेल्दी स्नैकिंग के कुछ मतलब ऑप्शंस लिए हुए हैं, जैसे कि किशमिश रेजिन्स आप ले सकती हैं, कितनी 8 या 10, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको लगता रहे 8-10 रेजिन से या किशमिश से मेरा क्या होगा, तो आप छोटा बाउल भर के एक मखाने खा सकती हैं। मखाने में आप थोड़ा सा मतलब मसाला वगैरह डाल सकते हैं, जैसे कि वो बाज़ार का चाट मसाला नहीं, आप घर के मसालों से बनाइए, हल्का सा सेंधा नमक डाल दीजिए, हल्की सी लाल मिर्च डाल दीजिए, काली मिर्च डाल दीजिए, हल्का सा अमचूर पाउडर डाल दीजिए, तो वो एक अच्छा हेल्दी ऑप्शन आपका बन जाता है। तो एक कटोरी आप खा लेंगे, और हाँ भूनेंगे आप देसी घी में ही, ठीक है, कोई रिफाइंड ऑयल यूज़ नहीं करेंगे, नॉर्मल घी यूज़ नहीं करेंगे, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। तो ये आपका एक ऑप्शन हो गया। साथ ही साथ भुने हुए चने बहुत बढ़िया ऑप्शन होता है PCOD में, तो वो आप सेवन कर सकते हैं। उसके अलावा भी अगर आपको लगता है तो आप नारियल पानी पी सकती हैं आप, और नारियल की जो मलाई होती है अंदर की वो आप खा सकती हैं, वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। बट ध्यान रहे कि अपने डिनर से 1.5-2 घंटे पहले आपको ये करना है, ऐसा नहीं कि डिनर कर लिया और भाई वो भी खा लिया और वो भी भर के खा लिया, वो चीज़ नहीं करनी है। दूसरी चीज़, एक फ़ायदा होता है इवनिंग स्नैक्स का, वैसे तो आयुर्वेद में 2 टाइम का ही खाना बताया गया है, बट अब जो मॉडर्न
जो टाइम चल रहा है मॉडर्न डाइटिशियंस के अकॉर्डिंग, ये मतलब मिड इवनिंग स्नैक, मिड मॉर्निंग स्नैक, ये चीज़ें चल गई हैं। बट कोई बात नहीं, अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है हमें ज़रूरत है, गो फॉर दैट, आप ऐड ऑन कीजिए उसको और थोड़ा सा वो ज़रूर खाइए, आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा उससे। और अच्छी बात ये कि फिर आप अपने डिनर को ओवर ईट नहीं करेंगे, वो जो बुक्कड़ वाली स्थिति हो जाती है ना कि ये भी खा लूँ ये भी खा लूँ, तो वो आपकी कंट्रोल्ड रहेगी डाइट, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये आपने कर लिया जब आप 5:15 बजे ये अपना इवनिंग का आप कर लेते हैं। एक चीज़ ज़रूर ऐड करनी है आपको, वो है ग्रीन टी, ठीक है। ग्रीन टी को आपको ज़रूर ऐड करना है, क्योंकि ग्रीन टी से फ़ायदा क्या होता है कि जो आपकी सिस्ट का साइज़ होता है उसको वो श्रिंक करने में मदद करती है। तो जब आप ये मखाने, चना या किशमिश वगैरह खा रहे हैं तो साथ में एक कप ग्रीन टी आप ज़रूर सेवन करें। और ग्रीन टी का ऑप्शन उससे मत मांगिएगा कि मैम चाय पी लें या कॉफ़ी पी लें, ग्रीन टी ही पीनी है आपको, ठीक है। क्योंकि आप वो नॉर्मल वाली चाय पियेंगे तो फिर वही सिस्टम आ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिर आपको डिनर की तरफ जाएंगे, तो डिनर में आपको क्या करना है, डिनर में आपको कोशिश कीजिए कि सिर्फ आप सूप ले लें। इसलिए मैंने आपको इवनिंग में स्नैक्स वगैरह बताए हैं। अगर आप सूप पी लेती हैं, लाइक अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप चिकन सूप ले सकती हैं। कोशिश कीजिएगा कि ब्रोस्ट वगैरह के पीसीज ही आप उसमें ऐड करो, बहुत ही मतलब उसमें शैलेट्स ही लेने हैं उसके, ठीक है ना। ज़्यादा मतलब ज़्यादा ऐसा नहीं लेना कि बहुत ज़्यादा भर दें आप उसमें, छोटे छोटे आपको उसके पीसीज लेने हैं सिर्फ, मतलब भर के नहीं खाना है, मेरा कहने का रीज़न ये है। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ऑफकोर्स वेजीज में तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप टमाटो सूप ले सकती हैं, आप स्वीट कॉर्न ले सकती हैं, क्लियर वेज सूप ले सकती हैं। तो इस तरीके से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपने पीसीओडी को, जो आपका प्रॉब्लम चल रही है उसको कंट्रोल करने में भी और उसको फ्लश आउट करने में भी। तो ये चीज़ आप कर सकती हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं सूप से आपका कुछ भला नहीं होगा और कोई फ़ायदा नहीं है सूप पीने का, तो कोई बात नहीं, आप एक काम कर सकती हैं, आप कोई भी खिचड़ी या दलिया वगैरह आप बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बड़ा फीलिंग होता है खिचड़ी में, आप जो भी आपकी मनपसंद सब्जियां हैं वो आप डाल सकती हैं। दलिया आपको मीठा पसंद है तो मीठा खाइए, नमकीन पसंद तो नमकीन खाइए, क्योंकि यही आपके ऑप्शन है डिनर के लिए। आपको यही सारी चीज़ें ही करनी है डिनर में, ठीक है। इसके अलावा प्लीज़ किसी अदर ऑप्शन पर मत जाइएगा, जो आप ये ऐप्स डाउनलोड किए हुए हैं आपने कि पिज़्ज़ा मंगा लूँ, बर्गर मंगा लूँ, तो इससे थोड़ा सा आपको परहेज़ रखना है। ध्यान रखिएगा कि पीसीओडी में आपको प्रोटीन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप अगर लगता है कि आप मतलब सिर्फ वेज से अगर आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और अगर आप नॉन वेज हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं, आप खाते हैं नॉन वेज, तो आप एग्स ऐड कर सकते हैं, चिकन ब्रॉस पीस आप ऐड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं अपने लंच में, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखिए। अगर ये सारी चीज़ें आप करते हैं, और आप कोशिश कर सकते हैं अपने ब्रेकफास्ट या लंच को स्किप कर सकते हैं, स्किप इन द सेंस आप स्विप कर सकते हैं, मतलब उसकी जगह वो खा लिया और उसकी जगह वो खा लिया, अगर इस तरीके से भी आप करते हैं तो काफ़ी हद तक आप अपनी डाइट को कंट्रोल कर पाएंगे। और एक बार आपने डाइट में चेंजेस किए तो पीसीओडी तो क्या कोई भी बीमारी नहीं टिक पाएगी आपके शरीर में, ये मैं बोल रही हूँ डॉक्टर शाइस्ता खान, मेरी गारंटी है, ठीक है। तो इन चीज़ का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो एक बहुत ही मतलब मेरी कोशिश ये रहती है कि बड़े सिंपल वे में और बहुत ही ज़्यादा चेंजेस ना करते हुए मैं आपको ये चीज़ें बताऊँ। इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। ये डाइट चार्ट जो है स्पेशली मैंने पीसीओडी के लिए ही डिज़ाइन किया है, जो मेरी पेशेंट्स हैं उनके लिए भी, ताकि वो भी इसको फॉलो कर सके और अच्छे रिजल्ट्स हासिल कर सके। क्योंकि देखिए इलाज तो हम कर ही रहे हैं, चाहे वो पंचकर्म के ज़रिए हो, आयुर्वेद के ज़रिए हो, एक्यूपंक्चर के ज़रिए हो, लेकिन मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि जब तक आप अपना लाइफस्टाइल ठीक नहीं करेंगे, कोई भी थेरेपी, कोई भी पैथी आप पर काम नहीं करने वाली है। इसी वजह से डाइट चार्ट को मैं बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देती हूँ। तो ये चीज़ आपको विशेष विशेष करके ध्यान रखनी है। एक चीज़ और, अगर आपको देर से सोने की आदत, तो कोशिश कीजिए थोड़ा पहले सोएं, क्योंकि अगर आप 7 बजे खाना खा लेंगी और आप 12 बजे सो रहे हैं, तो 5 घंटे की विंडो में आपको भूख लग सकती है और आप भागेंगे चॉकलेट की तरफ, आइसक्रीम की तरफ, वो क्रेविंग्स आपको फिर परहेज़ नहीं करने देंगी। तो कोशिश कीजिए आप जल्दी सोएं, और अगर आपको लगता है कि बाद में भी कुछ आपको ऐड ऑन करना है या पीना है, देखिए वैसे तो पीना नहीं है, बट एक लास्ट ऑप्शन जो है वो है ग्रीन टी का ही है मेरे पास, वही आप पी सकते हैं, उसके अलावा मैं कुछ भी आपको नहीं बता सकती, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। और बहुत मुझे मेरे ख्याल में इससे इजी डाइट चार्ट मैं नहीं बता सकती थी आपको, क्योंकि ऐसा है कि इसको लिखकर आप अपने किचन में लगा लीजिए, अपने जहाँ पे भी आपकी नज़र पड़ती है वहाँ लगा लीजिए, ये आपको फॉलो करना ही करना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए यूज़फुल रहेगी। अगर पसंद आए तो थम्स अप तो बनता ही है, क्योंकि काफ़ी रिसर्च के बाद वीडियोस बनाई जाती हैं और काफ़ी समय लगता है वीडियोस बनाने में। तो मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, बी हेल्दी, बी होलिस्टिक। जय हिंद।